من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون اصول برکت کے لیے دو اشعار نعت شریف کے مل کے پڑھتے ہیں. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ جس کا نبی ہے وہ کہے ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ را نبی دونوں عالم کا دولہ را نبی سب سے اولا ہو آلہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع بھی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب کہیے سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلا
हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूला। अल्लाह तबारिक व तआला दी हम्द व सना, नबी मुकर्रम रहमत दो आलम ताजदारी कायनात मरकजी कायनात महवर कायनात मतलूब कायनात व मकसूद कायनात अहमद मुस्तफ़ा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम दी गुर नयाब दे अंदर हदी अकीदत और नजराने दुरूद सलाम पेश करने तो बाद बुजुर्गो दोस्तों वाजिबुल कदर साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साड़ी खुश नसीबी खुश किस्मती कि आज हजूर शहनशाह बगदाद सुल्तानुल औलिया पीरे पीरा मीरे मीरा हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अब्दुल कादर जीलानी रदी अल्लाह ताला अनो आप दे जिक्र पाक वास्ते असी जमा होए। अल्लाह करीम मेरी और आप तमाम हजरात दी हाजरी कबूल फरमाए। कुछ अरसे तो बाद इस मस्जिद के अंदर हाजरी का मौका मिलया, यकीनन वक्त वो वेला अजी भी साढ़े सामने जिस वक्त इस मस्जिद के अंदर बड़े प्यारे मोहसिन अहले सुन्नत इज्जत माप लाइक सद एहतराम कारी हबीब साहेब रहमतुल्लाही ताला अलैह आप दे हुंदे हैं भी हाजिरी का मौका भी मिलिया और एक मरतबा नमाज तरावी के अंदर कुरान पाक पढ़ने की भी शहादत हासिल हुई। दुआ गोहां अल्लाह करीम कारी साहब दे दराजात नू बुलंदियां अता फरमाए और उन्होंने मिजार ते हर दम हर लहजा हर घड़ी अल्लाह अपनी रहमत दा नजुल फरमाए। मेरे बरादर मुकर्रम इज्जत माप लाइके सद एहतराम भाई कारी बिलाल हबीब साहेब ने हुक्म फरमाया बंदे नचीज वादे के मुताबिक आप हजरात के सामने हाजिर और मौजूद है। अज असी मिल के हजूर शहनशाह बगदाद रदी अल्लाह ताला अनु दी पाक बारगाह के अंदर हाजिरी पेश करांगे। अल्लाह करीम मेरी जुबान ते कलमा हक जारी फरमाए और सानू सब नू सुन के सुना के काबिले अमल गल्लां ते अल्लाह अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। चूंकि ये मौजू बड़ा तवील है शाने औलिया दे हवाले दे नाल मैं मुख्तसर वक्त दे अंदर अपनी हाजिरी पेश करांगा। तवज्जो रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर लफ्ज़े औलिया वली या विलायत इन लफ्ज़ों का जिक्र पूरे कुरान के अंदर तकरीबन 90 मरतबा आया। वली औलिया विलायत ये अल्फाज पूरे कुरान मजीद के अंदर तकरीबन 90 मरतबा आए न और जिस शहनशाह औलिया का जिक्र असी करने वास्ते बैठे हाँ अल्लाह ने उन्होंने उम्र भी 90 साल अता फरमाई। हजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अनु आप दी उम्र भी 90 साल
और लब से वली औलिया विलायत दे हवाले दे नाल जड़े अल्फाज ने इन्हां दा जिक्र भी कुरान दे अंदर 90 मरतबा आया। हजूर सैन से बगदाद रदी अल्लाह तआला अनु आप दी वालिदे मुहतरमा दा नाम है हजरत बीबी फातिमा उम्मुल खैर रदी अल्लाह तआला अनहा और मौले अली सरकार रदी अल्लाह तआला नु दी वालिदा माजदा दा नाम भी फातिमा है, फातिमा बिनते असद रदी अल्लाह तआला अनहा। और इमाम हुसैन पाक सरकार रदी अल्लाह तआला नु आप दी वालिदे मुहतरमा दा नाम भी हजरत बीबी फातिमा तु जहरा सलामुल्लाह अलैहा है। ते मैं आख्या कि अगर मां फातिमा बिनते असद होए ते फिर पैदा होने वाला मौलाए अली बनता है। अगर मां फातिमा बिनते असद होवे फिर पैदा होने वाला मौलाए अली बनता है। अगर मां फातिमा बिनते रसूल होवे ते फिर पैदा होने वाला हुसैन इब्ने अली बनता है। और अगर मां फातिमा उम्मुल खैर होवे ते फिर पैदा होने वाला गौसे जली बन जाता है। फिर पैदा होने वाला अल्लाह या रसूल अल्लाह हक शारिया या गौसे आजम रदी अल्लाह। बात समझ आ रही है आपको? ये मैंने तीन निस्बतें बयान की हैं कि अगर मां फातिमा बिनते असद हो तो मौला अली, अगर मां फातिमा बिनते रसूल हो तो पैदा होने वाला हुसैन इब्ने अली, और अगर मां फातिमा उम्मुल खैर हो तो पैदा होने वाला गौसे जली बन जाता है। ये एक निस्बत है कि बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम को अल्लाह ने इतनी अजमत और शान अता फरमाई है। तो अजीजा ने गिरामी कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर, इससे पहले कि मैं कोई और गल करा थोड़ा जा अल्लाह का कुरान ना पढ़ लीजिए भाई, थोड़ा जा उची तो बोलो जरा और जरा प्यार ना बोलो सुभान अल्लाह। चलो एक बारी अल्लाह की रजा वास्ते कह दो, एक बारी अपनी मर्जी नाल कह दो। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो रब्बुल आलमीन दा कुरान अजमत औलिया दे अंदर शान औलिया दे अंदर और मकाम औलिया दे अंदर बोलिया, आओ अल्लाह दे कुरान को सवाल करिए। ऐ अल्लाह दे कुरान दा साढ़े रब्बुल आलमीन दे जेड़े प्यारे वली ने उन्हां दी शान की है। अल्लाह दा कुरान बोल के आंदा है अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह لا خوف عليهم ولا هم يحزنون। अल्लाह दे वली दी शान है वे, ए अल्लाह दे कुरान दा सल्ला दे वली दी शान की है, अल्लाह दे वली दा मकाम की है और अल्लाह दे वली दी तारीफ की है। अल्लाह दा कुरान आंदा है अल्लज़ी आमनो वकानो यत्तको, रब्बुल आलमीन दा कुरान अल्लाह दे वलियां दी शान दे अंदर बोलिया, ते अल्लाह दे कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनो कोनो मासादिकीन। अजीजा ने गिरामी कदर अल्लाह दे वलियां दी शान इतनी आला है, अल्लाह दे वलियां दा मकाम इतना आला है, ते बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह की ताला ले कसूर दी सरजमीन दे उत्ते बह के आंदा है ना मैं बोती ना मैं बोती रब रब की थी
तस्बा खड़काया भुल्ले नो इके मुर्शिद मिले ओए जिन्ने एवें जा बख्शाया भुल्ले नो इके भुल्ले नो इके ओए मुर्शिद मिले ओए जिन्ने एवें जा बख्शाया हजरत जीवाकार इमाम अलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो जिन्हें मेरे नबी दा कलमा पढ़िया है उनु इलम है कि सूरह फातिहा की है अल्लाह सूरह फातिहा दे अंदर फरमांदा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम अगर इन आयत करीमा दा तर्जमा करके एदी तफसीर समझना चाहते हो ते मियां साहब फरमांदे ने राधे राधे बोलिए जरा सुभान अल्लाह राधे राधे अते हर कोई आखे ते मैं भी आखा राधे पर बिन मुर्शिदे तेनो बिन मुर्शिदे तेनो रा नहीं मिले ना एवें रुल मर से विचे राधे बिन मुर्शिद तेनो राह नहीं मिलना एवें रुल मर से विच राह दे हजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने कि मैं एक मरतबा अपने मुर्शिद गिरावी उन्हें खिदमत के अंदर हाजिर हाँ तो उन्हें फरमाया अली अजबेरी जी हजूर फरमाए मैं वजू ते करा फरमाते ने मैं लोटा लिया बिच पानी पा के अपने मुर्शिद वजू कराना वा पिया तो वजू कराते कराते ना मेरे दिल के अंदर ख्याल आया अली अजबेरी तू भी बंदा है तो ये भी बंदा है तो बंदा हो के बंदे की खिदमत करना है पिया बंदा हो के बंदे की खिदमत करना है पिया ये अंदर की राज है तेनू की मिलेगा दाता साहब फरमाते ने कि मुर्शिद कामिल सी ख्याल दिल के अंदर आ गया उन्हें वेख भी लिया ते पढ़ भी लिया जी कामिल मुर्शिद होंदा है कि जिदे कोलो ना मुरीद छुपया होंदा है ना मुरीद का बातिन छुपया होंदा है मेरे ते अगे जाके गुफ्तगू करांगा आप फरमाते ने जो मेरे जीन के अंदर दिल के अंदर ख्याल आया ना तो मेरे मुर्शिद ने हाथ पीछे किया ते पीछे करके फरमान लगे अली अजवेरी एवं पिया सोचना है कि बंदा हो के बंदे की खिदमत करना वा पिया पर मैं याद रखी जो अल्लाह किसे ते करम करना होवे ना मेरे रब ने ते अल्लाह उस बंदे नू किसे कामिल मुर्शिद दा मुरीद बना देंदा है अल्लाह उनू किसे कामिल दा खिदमतगार बना देंदा है जो रब ने किसे ते करम करना होवे जी हजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दे मुर्शिद गिरामियां दे विचों सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा एक मुरीद आंदा है कि मैं अपने घर के अंदर मौजूद हाँ तो रात का टाइम तो मेरे दिल के अंदर एवं ख्याल आया कि किते बाहर मुर्शिद खड़े ना हो मेरा मुर्शिद किते मेरे गरीब खाने के बाहर ना आया हो अंदर ख्याल आया मैं ख्याल झटक दिता थोड़ी देर गुजरी फिर ख्याल आया यार किते मुर्शिद बाहर ना खड़ा होवे अंदर ने ख्याल आया ख्याल फिर झटक दिता लेकिन जो तीसरी मरतबा ख्याल आया ना तो मैं आखे चल चलिया जाके वेख ही लै अंदर ने जो मैं बाहर का दरवाजा खोल के वेख्या तो सामने मुर्शिद जी सामने मुर्शिद नजर आ गया तो जिदा मुर्शिद वो घर आ जाए तो उन्होंने चाह ना चढ़े तो होर की हो हाय 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 सखियां दे सुल्तान
सुल्तान उलारिफीन हजरत सकी सुल्तान बाहू रहमतुल्ला की ताला ले आप फरमांदे ने जेड़ा कामिल मुरीद होवे अपने मुर्शिद नू वेख के राजी हो जांदा है और अपने मुर्शिद नू वेख के आंदा है ए तन मेरा भाई जौक है ते पढ़ दे फिर थोड़ा जा उच्ची बोले अज पीरे बाऊ सरकार रहमतुल्लाह ताला ले आपने कलम तोड़ दिता फरमा देने ए तन मेरा ओए चशे मावे ते मैं मुर्शिद वेखना रजा ओ लो लो दे मुडे उन लखे लख चश्मा एक खोला एक कजा ओ इतना डिठया कि मैनू सबर नयावे ते मैं होर कि दे वाले बजा ओ मुर्शिद दादी तार है बाहो मुर्शिद दादी तार है बाहो मुर्शिद दादी बाहो मुर्शिद दादी तार है बाहो मुर्शिद दादी बाओ मुर्शिद दा दीदार है बाओ मुर्शिद दा दीदार है बाओ ते मिनु लख करोना हजा ओ मुर्शिद नजर आया ते चा चढ़ गया मेरा ईमान है कि जिन्हों दाता अली हजवेरी ने अपना मुर्शिद मनिया जो उस मुर्शिद का मुरीद उन्हें वेख्या कि मेरा मुर्शिद एक कामिल बार आया है मेरा ख्याल है हाथ भी चुमे होंगे ते मुर्शिद के पैर भी चुमे होंगे ते चुम के अर्ज करदा हजूर मेरे घर मैनू ते चा चढ़ गए ने हजूर मेरे दिन च ख्याल आया सी कि तुसी बाहर आए हो ते मुर्शिद जेड़ा कामिल होवे ना फिर वह जानदा है आप फरमांदे ने तू भी केड़ा पहले ख्याल ते बाहर आ गया हाय 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 फिर मैं तू भी केड़ा पहले ख्याल ते बाहर आया तू भी ते तीसरी बारी आया है ना अज़ीज़ान ए गिरामी कदर ये अल्लाह दे वली नू अजमत और शान अता करने वाला मेरा रब है ये शाना देने वाला कौन है रब कुछ लोग इतराज कर दें वेखो जी तुसी अल्लाह नू छड़ के ते इन्हां नू मान लिया अल्लाह ही हाजत रवा है अल्लाह ही मुश्किल कुशा है अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है अल्लाह ही देने वाला है अल्लाह ही करने वाला है मैं क्या आले सुन्नत व जमात दा अकीदा भी यही है कि हकीकी हाजत रवा कौन है हकीकी मुश्किल कुशा कौन है अल्लाह लेकिन याद रखना अल्लाह जिन्हू ताकत देवे अल्लाह जिन्हों ताकत देवे फिर अल्लाह की अता और मदद दे नाल वो हाजत रवा भी बन सकता है मुश्किल कुशा भी बन सकता है। मैं एक मरतबा एक महफिल चो हाजरी दे के ते वापिस आ रहा रस्से के अंदर एक जगह वेख्या ते बड़ा मजमा लगा रश लगा
ते मैं गड्डी खड़ी की थी, मैं एक बंदे नु पुछया कि जनाब इत्थे की है, आख लगा जी एक नौजवान है, लड़का है, उन्नू साया है, आ सेब है, कोई बाहर दियां चीज़ां उहदे विच ने, ते असी बड़ा उन्नू ना पकड़न की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पकड़िया नहीं जा रहा है। कल्ला बंदा है, कौन है? यह गल नू जरा समझा जी, मसला हल हो जाए। है बंदा कल्ला, लेकिन उन्नू दस बंदे पकड़ देने पे, वो दसां दे काबू नहीं आंदा पिया। ते मैं आख्या जी इस तों पहले, आखणगे इस तों पहले नॉर्मल सी, एक बंदा ही उन्नू फड़ लैंदा सी, कोई ऐसी गल नहीं। ते मैं आख्या इहदे विच जिहड़ी ताकत आई उह किहड़ी है? आखे जी इस वक्त इहदे विच जिन्ने असेब है, बाहर दी चीज़ है, जिन्ने इहनू ताकत दित्ती है, और ये दसां बंदियां दी भी काबू नहीं आंदा है पिया। ते मैं आख्या भई मैं चला तो मेरा मसला एक हल हो गया, कोई नहीं पहुंचे तुसी। मैं क्या मेरा एक मसला हल हो गया? आखे जी ओ की? मैं क्या लोकी सानू आंदे ने भी अल्लाह दे वली कोल ताकत कित्थों आई? है ते ए भी बंदा ते असी भी बंदे। ते मैं आख्या अगर एक बंदे दे विच चिन्ह दी ताकत आ जाए ते दस बंदियां दे बराबर ते ओ हो सकदी है। ते जेड़ा सारी कायनात दा खालिक और मालिक है, अगर वह चाहे तो अपने वली नू इन्नी ताकत दे देवे कि गौसे आजम बन के एक वक्त दे विच तीहां मुरीदां दे घर जा भी सकता है, वापिस आ भी सकता है। या गौसे आजम, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस। जिसे समझ आ रही है वो बोले सुभान अल्लाह। मोटरवे ते तुसी कदी सफर कीता है? अक्सर असी मोटरवे ते सफर करने हैं ना, जिन्हें कीता उन्हें इलम है। मोटरवे वालिया ने जगह जगह साइन बोर्ड लगाए ने और उत्ते लिखे है हेल्पलाइन 130। अगर मोटरवे ते रह के किसी नूं कोई मसला मसाइल मिल जाए, गड्डी खराब हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम होए, वो 130 डायल करे ते अपनी मतलूबा जगह दसे, फौरन तो पहले थोड़ी देर दे अंदर उहदे कोल मदद आ जाएगी, उहदे कोल मदद आ जाएगी। बंदा मुश्किल दे विच होवे ते मैं आख्या कि जनाब अगर तुसी मोटरवे ते सफर करो, तुहाडी गड्डी नूं मसला बन जाए और तुसी 130 ते कॉल करो ते मुश्किल कुशा आंदा है कि नहीं? मैं फिर तकरीर कितने होर कर लां जा जी, तुहानू इन्नी भी समझ नहीं आनी भाई। मैं क्या अगर तुहाडी गड्डी नूं मसला बन जाए मोटरवे ते, तुहानू मुश्किल पेश आ जाए ते फिर की करदे हो? आखे जी उत्थे लिखिया सी हेल्पलाइन मिलाओ 130। मैं क्या तू मिलाई? आखे जी मैं मिलाई। फिर की होया? कह लगे जी बंदा आ गया, उन्हें मैंने पूछया जनाब कोई मसला मसाइल की है? मैं जी यह मेरा मसला है। उन्हें फिर कॉल की, गड्डी आ गई, वो मेरी गड्डी नू लोड करके लै गए वर्कशॉप के अंदर, मेरी गड्डी ठीक हुई, दोबारा मोटरवे ते आया ते मैं अपने घर। ते मैं आख्या फिर शर्म कर ते हया कर, अगर मोटरवे ते तेनू दुनियावी मुश्किल पेश आवे ते तू 130 डायल करे ते मुश्किल कुशा आ जाए, तेरी मुश्किल हल करे ते तेनू एतराज नहीं। ते जे सुनिया नू मुश्किल आवे ते सुन्नी ताता अली हजवेरी नू पुकारे, सुन्नी खाजा अजमेरी नू पुकारे, सुन्नी शहनशाह बगदाद नू पुकारे, ते ए बगदाद वाला आके साडी मुश्किल कुशाई कर देवे, एदे विच केड़ा हरज हो गया है? एदे विच केड़ी तकलीफ नहीं जी, अल्लाह ही सब कुछ है, जो मांगना है अल्लाह से मांगे। मैं क्या हाजिर दरबार सिर्फ अल्लाह ही है, मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह ही है, पर चंदा बंदे बंदे कोलो, चंदा बंदे बंदे कोलो लेना है, बंदे बंदे कोलो चंदा लेना है। ते मैं आख्या अल्लाह कोलो मांगना, या अल्लाह उत्तों सुट, ते अल्लाह भी यह हो जा सुटे तू भी थले आवे तेनू भी पता लगे। एक साथी सानू अपनी गल सुना लगे, कह लगे जी असी बड़ी इदा मौका ते बकरा मंडी के अंदर असी चले गए बकरा खरीदने वास्ते, एक दो साडा बेली सी दूसरी कंपनी का, वह भी नाल आ गया, कह लगे जी मैं भी बकरा खरीदना है। ठीक है जी, एक जगह बकरा पसंद आया, बंदा देहाती जहा सी, पेंडू जहा सादा जहा,
ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਚਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ, ਬੱਕਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਸੀ, ਅੱਖ ਲੰਘਾ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਖੁਦ ਪਾਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀ? ਆਖੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨੀ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੱਠੇ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਨਾ ਪੱਠੇ ਅੱਲਾ ਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ, ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਗਦਾਦ, ਪੀਰੇ ਪੀਰਾਂ, ਮੀਰੇ ਮੀਰਾਂ, ਅਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀਲਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖ ਲੰਘਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਇਫਤਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ ਸਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵਲੀ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਲੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਮਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਰੀਦ ਆਇਆ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ, ਆਪਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ, ਸੂਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਟਣਾ, ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਟਣਾ, ਅਲੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸੂਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਮਝ ਆਈਏ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਸੂਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਲੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਮੁਰੀਦ ਆਇਆ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਇਫਤਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਜ ਇਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਯਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਆਇਆ,